कैसे पता लगा है कि वो गेस्ट कौन था? मैं घर आ गया। अरे तुम वापस आ गए। मैंने काफी बार आवाज लगाई लेकिन कोई आया नहीं। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है, क्या कर सकते हैं? शायद उनसे मिलना ही नहीं था। आए तो हेलो बोलना। उन्होंने बोला था आपको हेलो बोलने के लिए। बताओ कौन थे वो? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? उनका नाम क्या था? अरे वो तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा कम से कम उनका चेहरा तो याद होगा ना? वो कैसे दिखते थे? उनकी आंखें कैसी थी और नाक? उनकी आंखें मुझे याद नहीं। वैसे उनकी हाँ उन्हें दो आंखें थी और नाक आंखों के ठीक नीचे थी और ये सब उनके चेहरे पर था। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी काम है। ये क्या नोबिता, तुम बहुत ही लापरवाह लड़के हो। मैं जानता हूँ मैं एक लापरवाह लड़का हूँ। मुझे तो लगता है कि नोबिता, अगर तुम मॉम और डैड को उनका चेहरा बता दो तो शायद उन्हें याद आ जाए उनके बारे में। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल तो पहले ही जा चुके हैं तो मुझे उनका चेहरा कैसे दिख सकता है? अब ये क्या है? सबसे पहले इसे पहन लो। तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये काफी अलग अलग लोगों की फोटोज हैं। तुम्हें उनके फोटो जैसा कोई चुनना है। उनसे मिलता जुलता फोटो चुनना तो थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ हिस्सा ढूंढना होगा। चेहरे का कोई भी हिस्सा समझने के लिए इनमें से जैसे शिज़ुका जैसी आंखें, उसके लिए S026 और जियान जैसी नाक के लिए G613 और अब सुनियो जैसे मुंह के लिए S183। अब अपने आप को देखो। इसी तरह तुम कुछ भी बन सकते हो। मेरे चेहरे से खेलना बंद करो डोरेमोन, मुझे वापस पहले जैसे बना दो। पहले जैसा बनने के लिए तुम्हें सिर्फ रीसेट बटन दबाना है। इसी तरह हम उन अंकल का चेहरा भी बना सकते हैं। कुछ यूज करो। ठीक है अब इसमें से देखो। मैं समझ गया, सही रहेगा अगर मैं चेहरे के हिस्सों को बताऊं। अरे इनकी नाक उससे मिलती है। ये नाक है S027 और ये वाला मुंह T302। ओके और ये वाला चेहरा और आईब्रोज ये वाली और हाँ बाल ऐसे दिखते थे। K654 J778 L234। अब एक बार चुने हुए हिस्से को एक एक करके जांच लेते हैं। सबसे पहले ये वाली नाक। उसके बाद मुंह, आंखें और आईब्रो, बालों का तरीका और चेहरा। यही तो थे वो। वो अंकल बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। डैड, मॉम। सर बताओगे कि तुम कौन हो? अरे मॉम ये मैं हूँ। मैं किसी अंकल जैसे दिखने वाले बच्चे को नहीं जानती। मैं नोबिता हूँ। नोबिता? आज जो अंकल हमसे मिलने आए थे उनका चेहरा याद दिलाने के लिए मैंने ये चेहरा बनाया है। इस चेहरे वाले अंकल को जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। ये चेहरा तो बिल्कुल उस अंकल जैसा है लेकिन। अरे हाँ अगर तुम इसी तरह बाहर जाते हो तो कोई इस चेहरे को पहचान ही लेगा नोबिता, देख लेना। इस अजीब से चेहरे के साथ पता तो लगाना पड़ेगा ना कि वो अंकल कौन थे।
चेहरे के साथ घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शिज़ुका। हेलो डोरेमोन, तुम यहाँ कैसे हो? हाय शिज़ुका। क्या कर रहे हो? बाय बाय। ये तुमने क्या किया नोबिता? तुम्हें चेहरा दिखाने के लिए कहा था। लेकिन ओ मजा आएगा ना? अब बहुत मजा आएगा। जी हाँ, सुनियो, क्या तुमने इस चेहरे को देखा है? डोरेमोन, ये अंकल कौन है बताओ? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलो हम पुलिस अंकल को पूछते हैं। सुनिए सर, क्या हुआ बताओ? आपने इस चेहरे वाले अंकल को देखा है? शायद मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। क्या आपको यकीन है? अरे मैंने बिल्कुल अभी अभी इसे देखा है। हाँ देखा है मैंने। कहाँ देखा है? ऐसा लग रहा है कि इस चेहरे को पुलिस स्टेशन की दीवार पर देखा है। क्या पुलिस स्टेशन की दीवार पर? चलो चले। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो चेहरा तो ये तो एक लुटेरा है। मतलब तुमने जिन अंकल को देखा है वो लुटेरे हैं? मतलब मेरा चेहरा बिल्कुल इस लुटेरे अंकल से मिलता है ना डोरेमोन? उसके अधूरा मैं तुम्हें पकड़ ले रहा हूँ। बदल सकता हूँ? तुमने पहले किया तो था। ये तो असली चोर है। चुप हो जाओ, ये मुझे दो। अगर मैंने चेहरा बदल लिया तो मजा आ जाएगा। नहीं नहीं। आप चल क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी अंदर चलिए। अरे अंकल, ये चेहरा मेरा नहीं है। क्या क्या कह रहे हो भाई? आप सही टाइम पर आए हो, लेकिन फिर मैंने जिसे पकड़ा है वो है कौन? वो अजीब सा चेहरा, वो मेरा चेहरा है। आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ दो लोग हैं जिनका चेहरा बिल्कुल अजीब है। बार बार अजीब चेहरा मत बोलो। इनमें से कौन सा चेहरा असली है? चुप हो जा। मैं असली हूँ, इसे पकड़ कर अभी बांध दो। अच्छा तो तुमने इससे मेरा चेहरा बनाया है? मुझे बताओ ये कैसे काम करती है? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें। ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब समझा, इन तस्वीरों में से जो चेहरा तुम्हें पसंद आए वो चुन लो। ये तो बहुत सारे हैं। अगर तुमने किया तो दुनिया के सबसे सुंदर आदमी बन जाओगे। ये तो काफी अच्छा है, मैं भी इस्तेमाल करके देखूं। अच्छा ये वाली नाक M339 ठीक है? आँखों के लिए शायद ये ठीक रहेगा। ये वाला काफी अच्छा है आपके लिए। अगर भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुमने हमारे चेहरे देख लिए तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। मुझे बचाओ। भाई, अरे नहीं, क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया? बस उधर उतरो, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। चलो मैं बच गया। ठीक है चलो आप हमारे साथ। अरे पुलिस अंकल, आपको गलत फहमी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरा चेहरा बदलो। पम 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 पम, शुरू हो जा।
अरे ये क्या कर दिया? क्या मजाक है, तुमने मेरा चेहरा इतना अजीब बना दिया। समझ गया, मैंने गलत बटन दबाया है। मेरा चेहरा वापस पहले जैसा कर दो। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। अच्छी तरह देख लेता हूँ। जब तक तुम 300 मीटर नहीं चलोगे तब तक उनसे नहीं मिल पाओगे। तो क्या मुझे अब 300 मीटर चलना पड़ेगा डोरेमोन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं आपसे मिल सकता हूँ बेटा, मेरे पास आओ। क्योंकि तुम मॉम के कहने पर उनके पास गई थी। मैं मॉम से नहीं मिलना चाहता। सारी की सारी गोलियां खा ली, तुम्हें पता भी है
करने जा रहा हूँ। मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। मॉम इसी कमरे में होंगी। मैं मॉम को बुलाऊंगा तो वो मुझसे जरूर मिलेंगी। सुनिए मॉम, मुझे इस महीने की पॉकेट मनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। नो पिता, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है, मेरे घर पर चलकर खाते हैं। शुक्रिया शिजुका, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मैं अगली बार जरूर आऊँगा। बाय। हे नो पिता, चलो बेसबॉल खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खेल सकता। अरे डोरेमोन, मैं सामान लेने बाजार जा रही हूँ। Yeah.
क्या हुआ नोबिता? क्या हुआ बताओ?